हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। जॉब सर्च ऐसे ही है जैसे कि मैराथन। जिस तरह मैराथन में एक रनर को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, पेस चाहिए होती है, उसे पेस भी मेंटेन करना होती है और अपने आप को मोटिवेट भी रखना होता है ताकि वो फिनिश लाइन तक पहुंच सके। इसी तरह जॉब सर्च में आपको स्टेमिना भी चाहिए होता है और अपनी रेजिलियंस भी चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है ताकि आप फोकस कर सकें जॉब सर्च पे और अपनी गोल्स पे फोकस कर सकें। तो होता तो ये बहुत मुश्किल है कि बहुत अरसे तक एक ही जगह पे फोकस रखना, लेकिन जब आप फोकस कर पाते हैं तो आप ना सिर्फ फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं बल्कि आप उस जॉब को भी हासिल कर पाते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। मिशेल ओबामा एक जगह कहती हैं, योर सक्सेस विल बी डिटरमिंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। जी, यहां मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक साहब होते हैं कृष्णा, बहुत मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन एक दफा उन्हें अपनी जॉब लूज करना पड़ जाती है। वो एक हाई टेक कंपनी में एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन जब वो जॉब लूज करते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो उन अपनी स्किल्स की वजह से वो बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब हासिल कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और वो जॉब हासिल नहीं कर पाता। 3 महीने के बाद वो बहुत अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करता है, बहुत डिफिटेड फील करता है और हारा हुआ महसूस करता है। तो वो इस सोच में होता है कि वो क्या करे। तब उसकी नजर से एक आर्टिकल गुजरता है जिसका टाइटल होता है कीपिंग योर कॉन्फिडेंस अप ड्यूरिंग अ लेंथी जॉब सर्च। इस आर्टिकल की ऑथर थी मार्लो लाइंस और ये आर्टिकल पब्लिश होता है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 17 मार्च 2023 को। वो इस आर्टिकल को पढ़ता है और देखता है कि इसमें 5 स्टेप्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रख सकते हैं ड्यूरिंग लेंथी जॉब सर्च। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, वो 5 गाइडेंस को क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है कि आप अपनी रीजंस लिखें कि आप पिछली जॉब में क्यों सक्सेसफुल थे, यानी वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो जाएंगी और आप उसको फिर रोज पढ़ें, रोज सुबह उसको रिपीट करें। नंबर 2, सेट डेली एंड वीकली गोल्स, डेली और वीकली गोल्स सेट करें। नंबर 3, क्रिएट अ नेटवर्किंग ग्रुप। नंबर 4, डिमोंस्ट्रेट सेल्फ केयर। एंड नंबर 5, वॉलंटियर फॉर द स्किल्स, वॉलंटियर फॉर द हेल्प। राइट, इन 5 पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो 10 reasons for your successful being in success in previous job. आप previous job में क्यों successful थे, कैसे successful थे। देखें, जब आप अपनी accomplishments को list down करते हैं तो आप अपनी negative thoughts को alter कर रहे होते हैं जो कि आपको आपके confidence को तबाह कर रही थी। राइट, आप ना सिर्फ उनको list down कर रहे होते हैं बल्कि हर रोज सुबह उसको repeat भी कर रहे होते हैं, उसको पढ़ भी रहे होते हैं। तो आप सोचें कि आप पिछली जॉब में किस तरह से सक्सेसफुल थे। आप अगर आपके कॉलीग किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो आप उसको किस तरह से हेल्प आउट करते थे, आपकी स्किल्स क्या थी, आप उनको किस तरह से उन स्किल्स को अपने फायदे के लिए अब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको यूजफुल कर सकते हैं। नंबर 2, सेट डेली एंड वीकली गोल्स। व्हाट डज इट मीन। देखें, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होता है, आप डेली गोल्स भी अचीव कर रहे होते हैं, सेट भी कर रहे होते हैं, अचीव भी कर रहे होते हैं, वीकली भी कर रहे होते हैं, मंथली भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे होते, जॉब नहीं कर रहे होते, तो आपका एक ही हाई गोल होता है कि आपने एक अच्छी जॉब लेनी है, आपने एक अच्छी जॉब अचीव करनी है। लेकिन जब वो अचीव नहीं हो रहा होता तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं, आप अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे होते हैं। तो उसका हल क्या है कि आप अपनी उस जॉब सर्च एक्टिविटी को भी छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें और उन छोटे छोटे गोल्स को फिर अचीव करें। जैसे कि आप टाइम रख सकते हैं फॉर रिज्यूमे डेवलपमेंट, राइट, फॉर प्रैक्टिसिंग इन इंटरव्यू, नंबर 3 फॉर पोटेंशियल जॉब सर्च, एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस अप रख सकते हैं। नंबर 3, क्रिएट अ नेटवर्किंग ग्रुप। देखें, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दें, उस फील्ड के लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करें। और अगर आप डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं। उनके साथ पीरियोडिकली मीटिंग्स करें, मुलाकात करें और उन मीटिंग्स में डिसाइड करें कि आप क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप किसी इशू पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं और डिसाइड करें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए।
आप एक दूसरे को जॉब लीड्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और आपकी हेल्प भी हो रही है। याद रखें कि जब आप पे लोग यकीन नहीं करते, जब आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो आपको आपकी हेल्प भी नहीं करते, राइट। नंबर फोर इज योर सेल्फ केयर, डिमोन्स्ट्रेट योर सेल्फ केयर। देखिए, सेल्फ केयर आप कब कर रहे होते हैं? सेल्फ केयर आप कर रहे होते हैं जब आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सोशल हेल्थ, अपनी फिजिकल या इमोशनल हेल्थ को आप रिसोर्सेज दे रहे होते हैं। वो किस लिए? ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, बेन एल्डिस इस पे कहते हैं कि योर सेल्फ लव इज नेवर एवर सेल्फिश। आप अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप से प्यार करना सेल्फिश नहीं है। आप उन चीजों के बारे में सोचें, वो चीजें करें, वो काम करें जो आप बेहतर कर सकते हैं, लाइक गोल्फ प्ले करना, लाइक बुक रीडिंग करना, लाइक बाइकिंग करना, लाइक हाइकिंग करना, व्हाटएवर, और उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करें। उसमें छोटे छोटे गोल्स अकम्प्लिश करें, उसमें कुछ अचीव करने की कोशिश करें जिससे आप कॉन्फिडेंस फील करें, राइट। जैसे कि आप बुक रीडिंग में कह सकते हैं कि आप रोजाना 30 पेज पढ़ेंगे, राइट। आप 10 किलोमीटर बाइकिंग करेंगे, राइट। आप 4 किलोमीटर हाइकिंग करेंगे। जो भी आपके उसमें गोल्स हो आप रख सकते हैं। वॉलंटियर से मुराद ये है कि आप अपने आप को वॉलंटियर करें, आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या नई स्किल्स सीखने के लिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसी तरह आप वॉलंटियर कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और साथ साथ उन स्किल्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए, यानी वो स्किल्स आप आगे सिखा भी सकते हैं, जिससे भी आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, राइट। और अगर आप जॉब सर्च में भी चल रहे हैं, उस दौरान भी आपको आपके पास जो स्किल्स हैं वो दूसरों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आप भी बेहतर फील करें और दूसरों का भी फायदा हो। इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूंगा एक कोटेशन से, दैट इज ऑप्टिमिज्म इज अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। Nothing can be done without hope and confidence by Helen Keller. देखें, जिस तरह से आप lengthy job search में होते हैं, आप confidence lose कर रहे होते हैं, आप इन तमाम activities को, इन तमाम steps को follow करके अपना confidence up रख सकते हैं और आप बेहतर भी feel करेंगे और आप बेहतर job भी हासिल कर पाएंगे। जहां हमने कृष्णा की बात की, कृष्णा ने भी इन steps को follow किया and he started a good job, right? तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके बेहतर फील भी कर सकते हैं और अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं विद योर फोकस एंड कंसिस्टेंसी। होप दिस आर्टिकल वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, आप जरूर शेयर करें। आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।